नमोघाट पर 21 जून को हर वर्ष योग दिवस मनाया जाता है। इस साल हर घर आंगन योग थीम के साथ 21 जून को 9वें अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर मुख्य कार्यक्रम नमोघाट पर गोवर्धन पूजा समिति के सौजन्य से होना है। इस उद्देश्य रविवार को नमोघाट पर एक कार्यक्रम संपन्न हुआ। कार्यक्रम की अध्यक्षता अध्यक्ष विनोद यादव गप्पू जी ने किया, संचालन पारस यादव पप्पू ने किया। कार्यक्रम के दौरान NDRF के DIG मनोज कुमार शर्मा का गोवर्धन पूजा समिति पदाधिकारियों द्वारा अंगवस्त्रम पहनाकर माल्यार्पण कर स्वागत किया गया। तत्पश्चात मनोज कुमार शर्मा, विनोद यादव गप्पू, अनिल सिंह वृक्ष सृजन संस्थान के अजय कुमार, नरेश पुत्र पूर्व मुख्यमंत्री रामनरेश यादव, योगाचार्य अभय स्वाभिमानी स्वामी ध्यानचंद देव पतंजलि द्वारा दीप प्रज्वलित कर योग की शुरुआत की गई। प्रतिदिन सुबह कॉमन योगा प्रोटोकॉल के तहत सप्ताह के चौथे दिन नमोघाट पर NDRF के सैकड़ों जवानों के साथ काफ़ी संख्या में महिलाओं को योगाभ्यास कराया गया ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग योग के माध्यम से जुड़कर निरोग रह सके। और सभी से आग्रह किया गया कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रतिदिन गोवर्धन धाम उपस्थित होकर सुबह 5:30 बजे से 7 बजे तक करें योग, रहे निरोग। आज योगा अभ्यास के दौरान मुख्य रूप से सीताराम यादव, दिनेश यादव, पप्पू, श्री प्रकाश यादव, राजेश अहिर, शिवांशु यादव, रक्षा कौर, आरती केशरी, श्रद्धा कौर, गुरजीत कौर, सरिता, मीना यादव, दीपमाला, रमेश गुप्ता, मुन्ना चलसिया, संत लाल जी आदि सहित सैकड़ों लोग उपस्थित थे। ये जो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को हम सभी लोग मनाते हैं, अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस, उसी के उपलक्ष्य में योग का एक पूरा अभ्यास था। जैसा कि आप सबको सर्वविदित है कि हम बहुत ही बड़े स्तर पर काशी में इस योग दिवस को मनाने जा रहे हैं। उसी के सिलसिले में जो हमारी गोवर्धन पूजा समिति थी, सृजन संस्था थी और NDRF, इन तीनों संस्थाओं ने मिलकर इस योग अभ्यास का आयोजन किया था। इसका उद्देश्य था कि लोगों में जन जागरण करें, योग के प्रति लोगों में जागृति बढ़ाएं और लोगों को संदेश दें कि समाज के सभी वर्ग, चाहे वो सरकारी हैं, अर्ध सरकारी हैं, सामाजिक संस्थाएं हैं, इसको लेकर कितना गंभीर हैं और एक ये आज के युग की आवश्यकता है, इस समय की आवश्यकता है कि हम योग को अपने जीवन में उतारें। उन्हीं सभी उद्देश्यों को लेकर ये आयोजन किया गया था और हमें आशा है कि जो 21 जून को हम एक बृहद कार्यक्रम आयोजन किया जा रहा है समाज के सभी वर्गों के द्वारा, वो अपने उद्देश्य में सफल होगा और हम अपने जीवन में योग को अपना सकें।